इस वीडियो में हम लोग जो है जीके का एक्सप्लेनेशन आंसर की देखने वाले हैं, जो कि आज आपका पेपर हुआ है, तो फटाफट देखेंगे, बाद में मैं इसको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, लखनऊ पैक्ट 1916 एकदम सही है, स्वदेशी मूवमेंट 1905 सही है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में तब जाके स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था, तो जो सही मैच नहीं है ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही हुआ था। नंद राजवंश के संस्थापक कौन थे? नंद राजवंश के संस्थापक जो थे महापद्म नंद थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा के मौर्य वंश का स्थापना किया था? घनानंद को। हमारा यहाँ पे आंसर जो होने वाला है ऑप्शन बी। जो इस क्वेश्चन में मुझे डाउट रहेगा मैं आपको बता दूंगा। काफी का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो काफी सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है, ये मैं अभी कुछ दिन पहले जब करा रहा था कर्नाटक बताया था कि अगर अपने देश की बात करें तो सबसे ज्यादा काफी कर्नाटक में होता है, तभी बताया था कि ब्राजील में होता है दो चार दिन पहले ही। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को भारत की बुलबुल कहा जाता है। तारों का रंग क्या व्यक्त करता है? उसके तापमान को व्यक्त करता है, तारों का जो रंग होता है उसके तापमान को व्यक्त करता है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मणिपुर में। हेमिस त्योहार, ये आपका करंट अफेयर के रूप में है, ये लद्दाख में है, इसको एक क्वेश्चन में कराया था टेलीग्राम में हेमिस त्योहार के बारे में। निम्न में से कौन सा कोयले का एक रूप नहीं है? तो ये झावा कोई कोयला नहीं होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट एक कोयले के प्रकार हैं। लिग्नाइट आपका नवेली तमिलनाडु में, एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। जब सूर्य एवं चंद्रमा का खिंचाव पृथ्वी पर एक दिशा हो तो सागर में उत्पन्न होने वाले ज्वार को क्या कहते हैं? यहाँ पे मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है, और एक दिशा में हो, यानी सूर्य और आपका चंद्रमा एक ही दिशा में जब हो जाते हैं तब आपका वृहद ज्वार भाटा आता है। कौन सा आता है? वृहद ज्वार भाटा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जब मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा था अभी कुछ दिन पहले 150 क्वेश्चन जो जीके मतलब कराया था, तो वहाँ पे बताया था अब्दुल कलाम के पुस्तक के बारे में, इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, इन सभी पुस्तकों के बारे में बताया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय को रीट निर्गमित करने का अधिकार होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रीट नहीं है? तो यहाँ पे अल्टीमस सप्लीसियम जो है रीट नहीं है, बाकी क्यू वारंटो, मैंडमस और निषेधाज्ञा, ये जो है पांच में से तीन रीट है। और कौन सा अनुच्छेद? 226। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कहा जाए तो 32, तो हमारा इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। सेफोलॉजी क्या है? चुनाव मतदान का सांख्यिकीय अध्ययन। CISF अधिनियम के अनुसार बल में नामांकित सदस्य का क्या तात्पर्य है? तो बल में नामांकित सदस्य के बारे में मैं बताया था कि जो भी आपका मतलब सबॉर्डिनेट ऑफिसर होता है, अंडर ऑफिसर होता है और उससे नीचे का रैंक होता है, वह क्या आता है? आपका नामांकित सदस्य, यानी इनरोल्ड मेंबर के रूप में आता है, तो कौन सा हो जाएगा? कोई भी सबॉर्डिनेट ऑफिसर, अंडर ऑफिसर या बल का कोई दूसरा सदस्य जो अंडर ऑफिसर के नीचे के रैंक का हो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। CISF अधिनियम के अनुसार अंडर ऑफिसर का तात्पर्य बल में नियुक्त एक व्यक्ति जो कि हेड कांस्टेबल, नायक या लांस नायक, ऑप्शन डी हो जाएगा। CISF अधिनियम के किस संशोधन द्वारा CISF को भारतीय संघ का हथियारबंद बल बनाया गया था? तो 1983 में जो है CISF को आर्म फोर्स का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा, CISF अधिनियम की परिभाषा के अनुसार फोर्स कस्टडी का क्या तात्पर्य होता है? अधिनियम के नियमों के अनुसार बल के एक सदस्य की गिरफ्तारी या कारावास को क्या कहा जाता है? फोर्स कस्टडी कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो अभी 49वें जो मुख्य रूप से अनुशंसित किया गया है उनका नाम क्या है? उदय उमेश ललित, ऑप्शन ए हो जाएगा। CISF अधिनियम को कब लागू किया गया था? 10 मार्च 1969 को।
सेंजेन में इस क्वेश्चन पे मेरे को डाउट है। मेरा जहां तक ऑप्शन है ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 70, सीएसएफ अधिनियम के अनुसार किसे एक सबॉर्डिनेट अधिकारी के रूप में परिभाषित किया है, तो ऑप्शन डी सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए गलत है, इसमें भी इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है और मैं ऑप्शन डी कर रहा हूँ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एक प्रतिपूरक लागत बल नहीं है, मेरे हिसाब से ऑप्शन डी गलत होगा क्योंकि सीएसएफ जो है प्रतिपूरक लागत बल है। धारा 8 के अंतर्गत दिए गए एक आदेश से पीड़ित बल, मैंने ये बताया था 30 दिन जो है अगर कोई पीड़ित है तो 9 में क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है 30 दिन के भीतर। सीएसएफ अधिनियम के किस संशोधन के द्वारा सीएसएफ को एक अधिदेश प्रदान किया गया कि वो निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को उनके प्रार्थना पर फीस वसूल करते हुए सुरक्षा परामर्श एवं सेवाएं प्रस्तावित करेगा, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, 1999 में ऐसा किया गया था। डायरेक्टर जनरल का समकक्ष आर्मी में रैंक क्या होता है, लेफ्टिनेंट जनरल, और ये आपका लेवल 17 में आता है। एडीजी जो होता है लेवल 16 में आता है। 44वीं शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी अभी हाल ही में किसने किया है, तो ये जो किया गया है चेन्नई के द्वारा। हंसा एनजी भारत का प्रथम फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ऑप्शन ए। लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, तो 20 है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस OTT प्लेटफॉर्म के साथ, नेटफ्लिक्स के साथ जो है आज़ादी की अमृत कहानियां प्रारंभ किया है, नैन्सी पिलोसी USA में जो है राजनीतिक नेता हैं। अभी हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, सुरेश एन पटेल। CISF अधिनियम के किस संशोधन के द्वारा CISF कर्मियों को उन संस्थानों के कर्मिकों की सुरक्षा करना एक कर्तव्य माना गया है जहां पे वे कार्यरत हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1989 में जो है ये संशोधन किया गया था। प्रोजेक्ट 75 भारत किस हथियारबंद बल से संबंधित है, भारतीय नौसेना के लिए इसे डेवलप किया गया है। भारत में वर्तमान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, मनोज मुकुंद नरवाणे जी हैं। कॉमनवेल्थ खेल 2022 में किस भारतीय ने प्रथम स्वर्ण पदक जीता, तो मीराबाई चानू ने प्रथम स्वर्ण पदक जीता। कॉमनवेल्थ खेल की मेजबानी करने वाला पहला देश, हैमिल्टन कनाडा में जो हुआ था सबसे पहले कॉमनवेल्थ। भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार जो 17 वर्ष के उम्र के ऊपर हैं वे मतदाता सूची में नामांकन के लिए अब अग्रिम आवेदन दे सकते हैं, ऑप्शन बी। श्रीलंका के राष्ट्रपति जो अभी हाल ही में चुने गए रनिल विक्रम सिंघे। द्रौपदी मुर्मू कहाँ से राज्यपाल की सेवा दे चुकी थी, झारखंड का। श्रीजा अकुला एवं अचंता शरद कमल किस खेल से संबंधित हैं, टेबल टेनिस से। किस संविधान संशोधन से भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, 42 अमेंडमेंट। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा का क्या नाम है, पाउंड स्टर्लिंग। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कौन सा स्वतंत्र नागरिकों को नहीं देता है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा नहीं देता है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या कह रहा है, नहीं देता है, तो संपत्ति को जो संपत्ति का अधिकार था 44 अमेंडमेंट के तहत उसको बाहर कर दिया गया। नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगा, कोहिमा हो जाएगा। राजधानी पढ़ाया था, एक वीडियो भी डाला था जस्ट एग्जाम के पहले। पृथ्वी को दो हिस्सों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा, ये फिगर बता के भी बताया था भूमध्य रेखा, और एक टेस्ट में डाला था जो हमारा फुल मॉक टेस्ट 15 हुआ था, आप उसमें 14 या 15 में वहाँ पे मैंने फिगर बना के बताया था कि क्या होता है आपका भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, दिनांक रेखा, सभी चीज़ों को बताया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। निम्न व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रपति बनने का सही क्रम क्या है, तो यही सही क्रम है 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी हो जाएगा, नीलम ज्ञानी, आर शंकर। बेरी बेरी का कारण क्या होता है, तो बेरी बेरी आपका विटामिन B1 की कमी से होता है, इसको भी मैंने टेस्ट में डाला था, आप देख लीजिएगा। मैंने एक क्वेश्चन डाला था लास्ट टेस्ट जो हुआ था, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन उस टेस्ट से पूछा गया है। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करें, सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसमें
ए आता है छठवें नंबर पे, संघीय कैबिनेट मंत्री आते हैं सातवें नंबर पे, फिर आते हैं हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त नौवें नंबर पे, और कैबिनेट सचिव आते हैं ग्यारहवें नंबर पे। तो 4-3-2-1, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ए फ्रेंड्स आपका जीके का एक्सप्लेनेशन था। तो जीके लगभग संतोषजनक, पिछली बार से तो लेवल लो ही रखा गया है, और आपका एक अच्छा ही पेपर था, लेकिन डिपार्टमेंटल जो क्वेश्चन थे वो कुछ घुमा फिरा के टफ पूछे गए थे। तो आप हमारा कोर्स से 2021 के और बाद के वर्षों के लिए ज़रूर जुड़ सकते हैं। 2021-22 और आगे एलडीसी देने वाले हैं। फ्यूचर रोजगार ऐप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।